स्ट्रक्चर के जो आज का हमारा लेक्चर है वो लॉजिक का ही रिलेटेड है आज हम सेकेंड लेक्चर कर रहे हैं लॉजिक का प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉजिक से रिलेटेड जो डिस्कस किया था वो प्रपोजिशन लॉजिक कनेक्टिव टू टेबल और कंपाउंड प्रपोजिशन को किया था आज जो हम डिस्कस करेंगे लॉजिक में वो है कंपोजिट स्टेटमेंट इक्वल एंड स्टेटमेंट ऑडॉलॉजी एंड कंट्राडिक्शन एंड ट्रांसलेटिंग इंग्लिश टू लॉजिक एंड लॉजिक टू इंग्लिश कंपाउंड स्टेटमेंट सॉरी कंपोजिट स्टेटमेंट कंपोजिट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि आप जो है ऑपरेटर्स की मदद से लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए कंबाइन कर सकते हो और न्यू स्टेटमेंट बना सकते हो प्रीवियस आपके पास एक अलग स्टेटमेंट पी थी और क्यों थी आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ कर से उन्हें कंबाइन कर सकते हैं ताकि आपके पास एक न्यू स्टेटमेंट बन जाए अब यहाँ पर आपने जो यहाँ पर नगेशन पी और नगेशन क्यू है तो आपने इन ट्रूथ वैल्यूज़ को लेना है और इस तरह आपके पास एक न्यू स्टेटमेंट जो है वो राइट डाउन हो जाएगी नेक्स्ट इक्वलेंट स्टेटमेंट इक्वलेंट स्टेटमेंट कौन से स्टेटमेंट होती है जब आपके पास यहाँ वाली स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यूज और जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसकी ट्रुथ वैल्यूज सेम हो जाए तब वो इक्वलेंट स्टेटमेंट कहलाती है मतलब एक स्टेटमेंट आपके पास क्या थी ये वाली नगेशन पी एंड क्यू और एक आपके पास नगेशन पी और नगेशन क्यू अब यहाँ पर अगर इन दोनों की ट्रुथ वैल्यूज़ ट्रुथ वैल्यूज़ नो द ट्रू और फॉल्स इस तरह नहीं मैं ट्रुथ वैल्यूज़ की बात कर रही हूँ ट्रुथ वैल्यूज़ में फॉल्स भी आता है और ट्रू भी आता है यहाँ पर भी फॉल्स है यहाँ पर भी फॉल्स है यहाँ पर भी ट्रू है यहाँ पर भी ट्रू है यहाँ पर भी ट्रू है यहाँ पर भी अब जब तमाम की तमाम जो हैं ट्रुथ वैल्यूज सेम हो जाएंगी तो वो लॉजिकली इक्वलेंट होगा यहाँ पर आपके पास तमाम ट्रू आ जाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम है ट्रू ये दोनों सेम है ट्रू अगर यहाँ अपोजिट होते हैं तो हम फॉल्स लिखते हैं फिर अब ये भी ट्रू है तो ट्रू दोनों फिर अगेन ट्रू है तो ट्रू द स्टेटमेंट आर लॉजिकलीवल बिकॉज इज ऑलवेज ट्रू नेक्स्ट हमारे पास है टेटोलॉजी इन कंट्राडिक्शन टटोलॉजी एक स्टेटमेंट है डेट इज ऑलवेज ट्रू जिससे हमेशा ट्रू होना है अब उस स्टेटमेंट ने किन वैल्यूज़ के बिना पर हम कहते हैं कि क्या उसने जज करना है कि वो कह रहे हैं कि वो हमेशा ट्रू होगी रिकॉर्डर्स ऑफ द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द इंडिविजुअल लॉजिकल वेरिएबल किसी एक सिंगल वैल्यू की ट्रुथ वैल्यूज़ की रिकॉर्डिंग वो हमेशा क्या होगी ट्रू होगी ट्रुथ वैल्यूज फॉल्स भी हैं और ट्रू दो होती है हमारे पास ट्रुथ वैल्यूज तो एक सिंगल इंडिविजुअल वेरिएबल की ट्रुथ वैल्यूज के रिकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट क्या होगी ट्रू होगी जैसा हम कहते हैं कि अगर आर ट्रू है और नगेशन आर मतलब हम कह रहे हैं कि ये फॉल्स हो गया लोकेशन आर क्या तो ये हमारे पास फॉल्स आ गया अगर हम ट्रू और फॉल्स एफ को जब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है और है तो ये हमारे पास क्या आएगा ट्रू ही आएगा तो एक स्टेटमेंट कब ट्रोडोलॉजी परफॉर्म कर रही है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि वो हमेशा ट्रू होगी रिकॉर्डेज ऑफ द ट्रुथ वैल्यूज ट्रू भी आ रही है और फॉल्स भी आ रही है ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द इंडिविजुअल लॉजिकल वेरिएबल एक ही वेरिएबल है आर तो इसके रिकॉर्डिंग जाइए टटोलॉजी में आएगी स्टेटमेंट नेक्स्ट है नगेशन पी एंड क्यू बाई कंडीशनल नगेशन पी और नगेशन क्यू आप इसे भी देखें तो ये भी हमारे पास क्या है टटोलॉजी है नेक्स्ट है हमारे पास इफ एस एम्प्लाइज टी इज अ टटोलॉजी तो हम इसे कैसे राइड कर सकते हैं इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक तो ये है ना एस एम्प्लाइज टी इज टटोलॉजी वो राइट एट दिस फॉर्म कंडीशनल डी अटोलॉजी तो हम उसे इस फॉर्म में लिखेंगे इम्प्लाइज होगा तो इस फॉर्म में और अगर बाय कंडीशनल की कोई स्टेटमेंट अटोलॉजी में आ रही है तो आपने उसे इस तरह से लिखना है नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्राडिक्शन इज अ स्टेटमेंट इट इज ऑलवेज फॉल्स इसे हमेशा फॉल्स होना है किसी भी एक सिंगल वैल्यूज वेरिएबल की ट्रूथ वैल्यूज के रिकॉर्डिंग हमेशा क्या होगा फॉल्स होगा फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर और जो है वो ट्रू है और वही वेरिएबल अगर मैं आर लेती हूं वो फॉल्स हो गया है मैं इनके दरियान क्या कर रही एंड परफॉर्म कर देती हूं एंड जब हम परफॉर्म करते हैं तो जब दोनों ट्रू हो तभी ट्रू होता है लेकिन यहां पर क्या आएगा फॉल्स तो ये स्टेटमेंट किसी सिंगल वेरिएबल्स की ट्रूथ वैल्यूज के रिकॉर्डिंग क्या हमें दे रहा है फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट में आएगा नेक्स्ट हमारे पास ये एक और एग्जांपल है द नगेशन ऑफ एनी टटोलॉजी इज़ अ कंट्राडिक्शन मतलब मैं टटोलॉजी की नगेशन लूँ तो वो कंट्राडिक्शन होगी और नगेशन ऑफ एनी कंट्राडिक्शन मीन्स हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर टटोलॉजी की मैं नगेशन ले लूँ तो वो क्या होगा कंट्राडिक्शन वो फॉल्स हो जाएगा और अगर मैं कंट्राडिक्शन की फॉल्स की नगेशन ले लूँ तो वह टटोलॉजी मतलब ट्रू हो जाएगा या अपोजिट होंगे नेक्स्ट है ट्रांसलेटिंग इंग्लिश टू लॉजिक आपको पेपर में इस तरह भी आ सकता है कि आप इसे लॉजिक में ट्रांसलेट करें आपको स्टेटमेंट प्रपोजिशन दे स्टेट दी जाएंगे और आपको कहा जा सकता है कि आप इसे लॉजिक में कन्वर्ट करें तो आपको जो स्टेटमेंट दी होगी आपने पहले उसे डिवाइड करना है कि ये किन वेरिएबल्स के थ्रू आप सॉल्व करेंगे जिस आई डू नॉट आई डिड नॉट बाई आर लॉटरी टिकट दिस वीक और आई बॉड आर लॉटरी टिकट एंड वन द मिलियन डॉलर ऑन फ्राइडे आप यहाँ देखेंगे कितनी स्टेटमेंट है कितने सेंटेंसिस आपको यूज़ हो रहे हैं एक हमारा सेंटेंस जो है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है आई डिड नॉट बाय अ लॉटरी टिकट दिस वीक अगेन उसने कहा आई बॉट अ लॉटरी टिकट मतलब यहाँ पर वो कर रहे है और डिड नॉट मतलब वो नहीं कर रहा तो है तो बेसिकली एक ही सेंटेंस ना तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल जो है प्रपोजिशन यूज़ करेंगे पी के हम इसे पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड वन द मिलियन डॉलर्स ऑन फ्राइडे तो यहाँ पर जो सेकंड उसका यूज हुआ है जो उसने किया यानी कि सेकंड जो सेंटेंस है जो बन रहा है वो क्या है कि आप किससे रिप्रेजेंट करोगे क्यों से अब आपने जब इसे लॉजिक में लिखना है तो कैसे लिखना है आपके पास सेंटेंस है आई बॉड अ लॉटरी टिकट दिस वीक आप इसे सपोज कर लेते हो कि पी जो है वो इसे रिप्रेजेंट कर रहा है इसको अब यहाँ पर आई डिड नॉट बाय अ लॉटरी टिकट दिस वीक तो ये क्या हो जाएगा लॉजिक में नेगेशन पी नेक्स्ट आ गया सेंटेंस क्या है आपका कंप्लीट जो और आई बॉट अ लॉटरी टिकट तो आपके पास क्या आ गया और आ गया ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है आई बॉड लॉटरी टिकट तो आपके पास पी आ गया एंड वॉन द मिलियन डॉलर्स ऑन फ्राइडे तो आपने लिख दिया है वॉन द मिलियन डॉलर ऑन फ्राइडे हम क्यों से रिप्रेजेंट कर रहे थे और दरम्यान में आपके पास क्या आया एंड आ गया तो आपने एंड लगाना है और के लगा देना जो आपका रिप्रेजेंटेशन जिस सिलेबस हो रही है वो तो इस तरह आप एक सेंटेंस को लॉजिक फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि आपको वो लॉजिक दे दें और कि इंग्लिश सेंटेंस जो है आप इसका राइट डाउन करें जबकि प्राप्त जो सेंटेंसेज हैं वो ये हैं नगेशन सी तो आपके पास जो सी की सेंटेंस होगा आप उसे नगेशन सी फॉर्म में लिखोगे अली इज़ नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट सी और एम आ गया तो आप लिखोगे अली इज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और गुड इन मैथ नेक्स्ट जो लॉजिक आपको लॉजिक दे, दे देंगे और सेंट प्रपोजिशन दे, दे देंगे आपने फिर खुद राइट डाउन करना है यहाँ पर जो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली एम एंड नेगेशन सी अली इज अ गुड इन मैथ बट अब एंड को आप यहाँ पर बट में हमने क्यों लिखा है एंड आप बट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो मतलब आपके पास एंड ऑपरेटर है आप उसे बट से भी बता सकते हो दोनों का मीन्स एक ही होगा नॉट आ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इस तरह आप इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो आई होप यू अंडरस्टैंड यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम इन कमेंट सेक्शन आई विल रिस्पॉन्स यू एज सुन एज पॉसिबल थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अला हाफिज़